गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्न वाचक वाक्य। और पहले भी मैंने बता दिया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में क्या करता है, दो तरीके से शुरू होता है। एक होता है फर्स्ट टाइप एचवी से शुरू होने वाले वाक्य, और एक होता है डब्ल्यूएच वर्ड्स से शुरू होने वाले वाक्य। यानी एचवी से शुरू होने वाले वाक्य कैसे पता चलेगा कि एचवी से शुरू है या इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। हिंदी में तो क्या है, क्या शब्द वाक्य के शुरू में दिया होगा और अंत में क्या होगा, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह दिया होगा, या जिनके उत्तर यस या नो में दिए जा सकते हैं, वो कौन सा प्रकार होता है, वो फर्स्ट टाइप होता है। हिंदी में क्या पहचान होगी, क्या शब्द वाक्य के शुरू में होगा, अंत में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होगा, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा प्रकार है, वो फर्स्ट टाइप होता है। या इसका दूसरी परिभाषा ये है, जिनके उत्तर यस या नो में दिए जा सकते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप होता है, जिनके उत्तर यस या नो में नहीं दिए जा सकते हैं वो कौन सा होता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप होता है। तो आज हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं। इसका पैटर्न देखिए, इसका पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले एचवी स्टेंस में कौन सी लगती है, हैज और हैव, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एचवी हैज का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ एचवी हैव का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, एचवी हैज हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, इसमें वर्ब कौन सी आती है, हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, अंत में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये इसका सूत्र होता है। तो मैंने एक सिंगुलर है एचवी की पहचान बताई थी, क्या बताई थी, जिस एचवी के अंत में एस दिया होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर एचवी होता है, और इसका प्रयोग हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका सेंटेंस देखते हैं, ये कैसे बनता है, तो क्या अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा चुका है, क्या अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा चुका है। तो सबसे पहले पता कीजिए क्या ये वाक्य स्टेंस का है या नहीं, है कैसे है, इसके अंत में चुका है शब्द है ना, उसके बाद में देखेंगे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कौन सा प्रकार है, फर्स्ट है या सेकंड है। तो इसमें क्या शब्द कहाँ है, वाक्य के शुरू में, अंत में क्या है, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा प्रकार हुआ, फर्स्ट टाइप हुआ। दूसरा इसका ये इस प्रकार से पता कर सकते हैं, इनके उत्तर यस या नो में दिए जा सकते हैं या नहीं, क्या अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा चुका है, तो इसका उत्तर आप यस या नो में दे सकते हो ना, हाँ यदि पढ़ा चुका है तो हम कहेंगे हाँ यस, नहीं पढ़ा चुके हैं तो नो, तो इसके उत्तर हम क्या कर सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। तो ये कौन सा प्रकार हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप हुआ। अब इसमें वही प्रक्रिया है, सबसे पहले कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सी है और क्रम है कौन सा है, तो पढ़ाने वाला कौन है, अध्यापक है, तो अध्यापक क्या कर जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, हमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, अंग्रेजी भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पढ़ा चुका है, ये MVA है अर्थात मेन वर्ब है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एचवी का प्रयोग करेंगे, एचवी किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी ना, सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर, सिंगुलर, तो एचवी क्या आएगा, हैज,
यानी सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ एज किसका प्रयोग होता है? एज। तो सबसे पहले हम लिख देंगे एज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा? हाँ, अध्यापक है। अध्यापक क्या है? विशेष व्यक्ति है। तो इससे पहले क्या करेगा? द आर्टिकल लगेगा। तो एज द टीचर, टीचर है, टीचर से एक ही पढ़ाने वाला। उसके बाद में हमें कौन सी क्या चाहिए? वर्ग की थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्ग की थर्ड, एक तो पढ़ना होता है, एक पढ़ाना होता है। तो पढ़ाना किस में से होता है? टीच। तो टीच की हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। टीच, टीच में पढ़ाना होता है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है? एक जैसा होता है। तो टीच टॉट, टॉट। तो हमें कौन से फॉर्म चाहिए? इसका थर्ड फॉर्म चाहिए। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? हाँ, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। तो हम लिखेंगे एज द टीचर टॉट। उसके बाद में अब इसमें क्या करके डबल ऑब्जेक्ट आ गए। इसमें एक सजीव क्रम है, एक निर्जीव क्रम है। अंग्रेजी में कौन सा क्रम पहले आता है? सजीव क्रम पहले आता है। तो पहले आता है तो सजीव क्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आईडीओ, आईडीओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और निर्जीव क्रम को क्या कहते हैं? डीओ यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में सजीव क्रम यानी आईडीओ का प्रयोग पहले किया जाता है। सजीव क्रम का प्रयोग पहले किया जाता है। तो इसमें सजीव क्रम हमें अंग्रेजी है, तो वी की थर्ड फॉर्म हमेशा ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगी। वी आवर अस, तो हम क्या कर देंगे? अस। फिर अंग्रेजी, अंग्रेजी है वो कौन सा क्रम है? निर्जीव क्रम है, डीओ है। तो आप देखो अपना वाक्य कैसे बना, एज द टीचर टॉट अस इंग्लिश। अब इसमें क्या बचा है? अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन या मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अपना वाक्य कैसे बना? एज द टीचर टॉट अस इंग्लिश। क्या ये वाक्य समझ में आ गए? अब हम दूसरा देखेंगे। क्या आपने अपने पाठ याद कर लिए? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, वह वाक्य किस टेंस का होता है? वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अगर आ, ई, ए शब्द सीधा आ गया, उसके अंत में है नहीं है, तो वाक्य किस टेंस का होता है? वाक्य किस टेंस का होता है? पास्ट सिंपल टेंस का होता है। अगर ये है शब्द नहीं है, अंत में आ, ई, ए शब्द आ जाता है नहीं दिया हो, तो वाक्य किस टेंस का है? पास्ट सिंपल टेंस का होता है। है शब्द दिया है, तो वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो अब हम देखेंगे ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं। तो है ना, ए है शब्द इसके अंत में आ गया। उसके बाद में देखेंगे ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो कौन सा प्रकार ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है। क्यों? क्या आपने अपने पाठ याद कर लिए? तो इसके उत्तर हम क्या कर सकते हैं? यस या नो में दे सकते हैं। इसलिए ये कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप हुआ। तो इसमें वही प्रक्रिया है, इसमें ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब का पता करो। तो आपने क्या है? सब्जेक्ट है। अपने पार्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। याद कर लिए है, ये क्या है? एम बी है। अब आपने, आपने की अंग्रेजी क्या होता है? आपकी अंग्रेजी क्या होता है? यू। और आप, यू आपने की अंग्रेजी क्या होता है? यू। यू कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है? बताओ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ एज भी क्या नहीं होगा? एज का तो प्रयोग नहीं होगा, तो क्या आएगा? हैव। हम लिखेंगे हैव। सब्जेक्ट क्या हो गया? आपने की अंग्रेजी यू, हैव यू। फिर वर्ब क्या है? याद करना, याद करना, लर्न, लर्न, लर्न में सीखना या याद करना। तो लर्निंग हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। तो लर्निंग थर्ड फॉर्म क्या होगा? लर्न है, लर्नड, लर्नड।
हमें कौन से फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। तो थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? धरण का थर्ड फॉर्म धरण होता है ना, तो हम क्या है? यू धरण। उसके बाद अपना अपनी की अंग्रेजी सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू की सेकंड फॉर्म, यू की सेकंड फॉर्म क्या होगा? यू देखो, यू योर यू, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, और इसका स्थान कोई क्या नहीं होता है? निश्चित है? नहीं होता है। लेकिन इसके ठीक बाद में किसका प्रयोग होगा? नाउन का प्रयोग होगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड है, ये थर्ड। थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट के स्थान पर है और फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के स्थान पर है, और सेकंड फॉर्म का स्थान है निश्चित नहीं होता है। तो इसमें देखिए यू की पहली फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? एक जैसा है। तो आपको क्या पता चलेगा कि ये यू फर्स्ट फॉर्म में है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। तो अगर वर्ब के बाद में दिया है तो यू कौन सा फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में है। और यू का प्रयोग वर्ब से पहले हुआ है तो यू कौन सी फॉर्म में है? वो फर्स्ट फॉर्म में है। तो अपना अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? अपना अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? योर। क्या हो जाएगा? योर। पार्ट की अंग्रेजी लेसन, तो योर लेसन। लेसन है या लेसन्स? लेसन्स। तो अपनी अंग्रेजी क्या बना? हैव यू लर्नड योर लेसन्स। अंत में क्या करेंगे? साइन ऑफ इंट्रोगेशन या मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स भी बोल सकते हैं उसे, प्रश्न वाचक चिन्ह। तो अपना सेंटेंस कैसे बना? हैव यू लर्नड योर लेसन्स। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा टाइप है? ये फर्स्ट टाइप है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड टाइप पढ़ते हैं। अब सेकंड टाइप में क्या होगा? जिनके उत्तर यस या नो में नहीं दिए जा सकते हैं, जिनके उत्तर यस या नो में नहीं दिए जा सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप पढ़ते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, यानी डब्ल्यूएच वर्ड, यानी डब्ल्यूएच फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डब्ल्यूएच फैमिली। जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रश्न दिए होते हैं ना, वो इसी पैटर्न में होते हैं। तो दूसरा इसकी पहचान क्या होगी? जिनके उत्तर यस या नो में नहीं दिए जा सकते हैं, वो कौन सा प्रकार होता है? वो सेकंड टाइप होता है। तो इसका पैटर्न या सूत्र क्या होता है? सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड या डब्ल्यूएच फैमिली, उसके बाद में एचवी। एचवी किसके हिसाब से आएगी? सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। अगर है सब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, नंबर सब्जेक्ट होगा तो एचवी किसका प्रयोग होता है? एज का। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का होगा तो एचवी क्या आएगी? हैव। और उसके बाद में सब्जेक्ट सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड या डब्ल्यूएच फैमिली, फिर एचवी, इसमें एचवी क्या लगता है? हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब अगर दिया है तो कोई, और अंत में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क्स। तो ये इसका क्या होता है, पैटर्न या सूत्र होता है। आइए हम इसके उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले देखिए, वह विद्यालय क्यों गया है। अब इसमें हिंदी में क्या है? क्यों, कहां, कैसे, कब, ये शब्द वाक्य के बीच में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? हाँ, वाक्य के बीच में। और उसके बाद में दूसरी इसकी क्या पहचान है, कि इसके अंत में मार्क्स ऑफ क्वेश्चन इसके अंत में दिया है, और इनके उत्तर यस या नो में नहीं दिए जा सकते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा प्रकार है? ये सेकंड टाइप है। अब वाक्य को समझते हैं, वह विद्यालय क्यों गया है।
तो सबसे पहले पता कीजिए क्या ये वाक्य स्टेंस का है या नहीं। ये वाक्य स्टेंस का है या नहीं, है, क्योंकि इसके अंत में क्या कर गया आ है शब्द आ गया ना। उसके बाद में वह जाने वाला है, वह क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और वह कहां गया विद्यालय गया, विद्यालय क्या है ऑब्जेक्ट, और क्यों क्यों ये क्या है ये डब्ल्यू एच फैमिली है, और गया है ये क्या है ये मैन और एमवी है। अब इससे क्या करेंगे हम सूत्र में रखेंगे, सबसे पहले क्या है क्योंकि अंग्रेजी है जिनकी, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होता है, क्योंकि अंग्रेजी क्या होता है वाई, तो वाई। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह है वह पुरुष है, पुरुष सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ एचवी क्या आएगा हैज, तो ये हो जाएगा वाई हैज। उसके बाद में सब्जेक्ट वह है, वह की अंग्रेजी वो पुरुष है तो क्या आ जाएगा ही, और स्त्रीलिंग है तो से, तो वाई हैज ही। जिस स्थान को जाते हैं उस स्थान उसे स्थान के लिए क्या आएगा जुड़ने के लिए टू, अलग होने के लिए फ्रॉम, तो इसमें मैन वर्ब क्या है गया, जाना किस में होता है गो, तो गो की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए इसका, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा हाँ गो वेंट गोन, तो हमें इसकी थर्ड फॉर्म क्या हुआ गोन लिखेंगे या वेंट गोन, क्योंकि वेंट तो क्या है सेकंड फॉर्म है, हमें इस टेंस में कौन सी फॉर्म आएगा थर्ड फॉर्म, तो वाई हैज ही फिर गोन, जिस स्थान को जाते हैं उस स्थान के पहले क्या करता है टू, जुड़ने के लिए टू, अलग होने के लिए फ्रॉम, तो किससे जुड़ा ये विद्यालय से, तो विद्यालय की अंग्रेजी क्या हो जाएगा स्कूल, क्या इसमें एडवर्ब दिए नहीं दिए, तो अंत में क्या कर देंगे मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे या क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। तो ये सेंटेंस कैसे बना अपना, वाई हैज ही गॉन टू स्कूल। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ऊंट को अपना कुबड़ कैसे प्राप्त हुआ, ऊंट को अपना कुबड़ कैसे प्राप्त हुआ, क्या ये वाक्य किस टेंस का है या नहीं, सबसे पहले पता करो, तो आ है तो किस टेंस का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसमें ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा प्रकार है सेकंड टाइप है, कैसे क्योंकि इसके बीच में कैसे शब्द दे रखा है, अब वही प्रक्रिया है, इसमें सब्जेक्ट कौन है हाँ, और अपना कुपड़ ये क्या है ऑब्जेक्ट है प्राप्त हुआ, ये क्या है ये क्या है ये मैन मैन वर्ब है, ये एम वी है एम वी मैन वर्ब मुख्य क्रिया है, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे कैसे की अंग्रेजी क्या होता है हाउ, तो हमने लिख दिया हाउ। उसके बाद में एचवी, एचवी क्या आएगा इसमें एचवी, ये ओंट ओंट सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो एचवी किसका प्रयोग होगा हैज, तो हाउ हैज। उसके बाद में ओंट की अंग्रेजी क्या होगा कैमल, कैमल क्या है कैमल लेके जाती है, जाती के पहले क्या कर जाएगा द आर्टिकल लग जाएगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे द, और उसके बाद में कैमिल, तो अपना सेंटेंस क्या बना हाउ हैज द कैमिल, प्राप्त होने की अंग्रेजी क्या होता है गेट, गेट में प्राप्त होता है, तो गेट की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए थर्ड फॉर्म चाहिए, तो गेट है गोट और गोट, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है एक जैसा है, तो क्या लिखोगे गोट, हाउ हैज द कैमिल गोट, अपना अपने की अंग्रेजी ये देखिए ऊंट है वो क्या है ऊंट है वो एनिमल है, एनिमल है जानवर है, जानवर सिंगुलर होता है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या आता है इट, इट आता है ना, इट की सेकंड फॉर्म क्या होता है इट्स, तो
अपना अपने की अंग्रेजी क्या होगी इट्स, कुबड़ की अंग्रेजी हम पर एच यू एम पी। अब देखो इसमें क्या बच गया, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन या साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन है मार्क्स। तो ये क्या अपना सेंटेंस अपना, हाउ हैज द कैमल गॉट इट्स हम्प, आपने मिनरल वाटर क्यों पिया है, क्या ये वाक्य किस टेंस का है यानी आ है शब्द है किस टेंस का, क्योंकि कारण कौन सा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप है। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि अंग्रेजी क्या होता है वाई, आपने की अंग्रेजी क्या होता है आपने की अंग्रेजी है आपने की अंग्रेजी क्या होता है यू, यू आपने की अंग्रेजी अपने की अंग्रेजी अपना अपनी अपना अपने की अंग्रेजी होता है योर, आपने की अंग्रेजी क्या होगी यू, तुम की अंग्रेजी क्या होगी यू, आपकी अंग्रेजी क्या होगी यू। अब यू सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो एक्चुअली क्या आएगा हैव, तो आई हैव, आपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा यू, यू ये सब्जेक्ट के तौर पर है ना, फिर पीना की अंग्रेजी ड्रिंक है, पानी को पिया जाता है तो ड्रिंक। अब इसमें एक मैंने एक रूल बताया था याद है क्या, यदि किसी वर्ब के बीच में आई दिया हो तो सेकंड फॉर्म बनाने के लिए एक स्थान पर एक कर दो और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए एक स्थान पर यू कर दो, तो ड्रिंक है ड्रिंक और ड्रंक, हमें कौन सी फॉर्म चाहिए हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसका ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगा ड्रंक, तो ड्रंक। फिर मिनरल, मिनरल की मिनरल होता है ये मिनरल अंग्रेजी का शब्द है और वाटर ये भी अंग्रेजी का शब्द है, तो मैं वाटर का वाटर ले दे। अब देखिए सेंटेंस कैसे बना, वाई हैव यू ड्रंक मिनरल वाटर, अब ये वाक्य सही है गलत, अभी तक तो गलत है क्यों, क्योंकि हमने इसके अंत में क्या नहीं किया क्वेश्चन मार्क से नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क से नहीं लगाया, तो अंत में क्या करेंगे प्रश्न वाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, अब इसमें नेगेटिव दोनों का नोट का प्रयोग तीसरे स्थान पर कर देना, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। थैंक्स।